मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। एक स्वास्थ्य अध्ययन के अनुसार भारत में कुल संक्रमित मामलों का 45% 6 शहरों मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, ऊना, जयपुर और इंदौर में पाया गया है। आज लॉकडाउन को 30 दिन हो गए हैं। 75 दिनों में सिर्फ 10,000 मामले संक्रमित पाए गए थे और पिछले 8 दिन में 11,000 से ऊपर संक्रमित मामले पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 19.60% हो गई है। वहीं दूसरी ओर भारत में अभी तक कुल 21,393 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 4,258 अभी तक ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,409 नए मामले सामने आए हैं एवं 41 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी तक कुल 681 लोगों की मृत्यु हुई है। दिल्ली में अभी तक 2,248 संक्रमित मामले आए हैं, 724 ठीक होकर गए हैं और उनमें से 113 कल ठीक होकर गए हैं और 92 नए मामले आए हैं। अभी तक 48 लोगों की मृत्यु हुई है। 24 लोग आईसीयू में हैं, 6 लोग वेंटिलेटर में हैं। ठीक होने वालों की संख्या 32% हो गई है। दिल्ली में अभी तक 89 हॉटस्पॉट जोन हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि जहां पर भी 3 या उससे अधिक मामले पाए जाएंगे उस स्थान को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाएगा। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा DRDO द्वारा विकसित COVID-19 मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब का उद्घाटन किया। एक सुखद बात है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं गोवा में एक भी संक्रमित मामला नहीं है। वहीं ICMR के अनुसार 325 सरकारी एवं निजी लैबों में कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल 24 अप्रैल को ग्राम पंचायतों से व 27 अप्रैल को सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की अभी कोई वैक्सीन, कोई दवाई अभी तक बनी नहीं है, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और सफाई का ध्यान रखते हुए अपने हाथों को साफ करें। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।